देखो आज के लेक्चर में दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। वीसी का मतलब है वर्नियर कैलिपर, और लीस्ट काउंट का मतलब जो भी होता है ये हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज इसकी डिटेल आपको बताएंगे कि ये काम के सिद्धांत पर करता है, ठीक है। ये वर्नियर स्केल और ये मैन स्केल, ठीक है। वर्नियर कैलिपर वीसी मीन्स वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे। वर्नियर कैलिपर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इन दोनों स्केलों के अंतर पर कार्य करता है, और दोनों स्केल को किसी एक माध्यम से जोड़ दिया जिसका नाम पड़ा वर्नियर कैलिपर। तो अब यहां से एक बात तो हमें ये साफ साफ पता चल गई कि वर्नियर कैलिपर कहीं ना कहीं इसके नाम से ताल्लुक रखता है, अटैचमेंट रखता है। कैलिपर यहां पे लिखा हुआ है, कैलिपर का मतलब क्या? कैलिपर का मतलब है किसी वस्तु की माप को लेना या किसी वस्तु को मापना ही क्या कहलाता है? मेजरिंग कहलाता है, ठीक। तो मेजरिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं? कैलिपर का यूज करते हैं। मैन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मेट्रिक सिस्टम की। तो हम जो भी कैलकुलेशन आपको देंगे वो सब किस में होगी? मेट्रिक सिस्टम में होगी, ठीक है। यहाँ पर भी मैन स्केल का जो एक डिवीजन है 1 mm कहते हैं। तो सेंटीमीटर में 0 से 1 क्या है? 1 cm। 1 से 2 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 3 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में 10 mm का डिस्टेंस है, ठीक। तो अब समझ में आ रही है बात, क्योंकि मैन स्केल का एक डिवीजन कितना है? 1 mm है। यदि मैन स्केल के 9 डिवीजन को वर्नियर के 10 डिवीजन के बराबर रख दिया जाए, पहले हम रख कर देख लेते हैं कैसे। स्केल का एक डिवीजन कितने mm का? 1 mm का। अगर हम 9 खानों की बात करें या 9 डिवीजन की बात करें तो कितने एमएम के हो जाएंगे? 9 mm के हो जाएंगे। तो यहां से बात क्लियर होगी होगी आपको, मैन स्केल के जो 9 डिवीजन है वो कितने एमएम के हो जाएंगे? 9 mm। कितने एमएम के हो जाएंगे? 9 mm। 9 mm के, इसमें कोई डाउट है आपको? तो ये 9 mm के डिवीजन वर्नियर के कितने डिवीजन के बराबर है? 10 डिवीजन के बराबर है। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन बताइए। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन बताने के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि 9 mm तो ऑलरेडी 10 चली रहा है, ये 10 कहां पहुंच जाएगा? 9। किसमें पहुंच जाएगा? इसके बटे में, बटे में। तो यहां पर कितना आ गया? 9/10 10 आ गया। बासों में आगे कितना आ गया? 9/10 आ गया। क्योंकि ये 9 के बटे में पहुंचा है इसलिए यहां पर mm आएगा, रहेगा ही। इतनी बात समझ में अभी? अब हमें देखिए यहां पर ध्यान से देखिए कि वर्नियर का जो एक डिवीजन हमको मिला वो कितना मिला? 9/10 mm मिल गया। चूंकि मैन स्केल का जो एक डिवीजन होता है कितने mm का होता है? 1 mm का। ये मैंने से जान रहे हैं इस बात, वर्नियर कैलिपर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मैन स्केल डिवीजन कितनी है? 1 mm माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी आई है? 9/10। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, तो कितना मिलता है? 10 माइनस 9 हमको मिलता है। यस सर। जब 10 माइनस 9 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो कितना मिल जाता है हमको? 1/10 और 1/10 का मान कितना होता है? 0.1 और ये कितना हो जाएगा? mm। तो ये जो हमारे पास मिला, ये मान जो मिला, समझिए कि यही यह प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर है। अब हम लीस्ट काउंट की बात करें। अब हम लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं, तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो छोटी से छोटी माप ली जाती है, ये उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं।
सेल का एक डिवीजन बराबर कितना होता है? एक एमएम। एक एमएम। इसलिए मैन सेल के 49 डिवीजन बराबर कितने हो जाएंगे? 49 एमएम। बताइए ये बात क्लियर है? यस सर। 49 हो जाएंगे। पेरी वर्मी में क्या किया, वो कहते हैं चूंकि यदि मैन स्केल के 49 डिवीजन को वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन के बराबर रखें, रखते यहाँ पर हम लेंगे, रख लेंगे वर्नियर स्केल के कितने बार? 50। 50 डिवीजन बराबर मैन स्केल के 49 डिवीजन, मैन स्केल के 49 डिवीजन। ठीक, चूंकि 49 डिवीजन का मान तो हमको पता है पहले से, कितना है? 49 एमएम। इसका नहीं पता है तो इस एक डिवीजन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा? 49 बटे 50 हो जाएगा। यस सर। ये भी एमएम में नहीं हो जाएगा? यस सर। एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? डिस्काउंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन में और मैन स्केल के एक डिवीजन में हमें क्या कर देना, अंतर कर देना, मैन स्केल का एक डिवीजन, एक डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का एक डिवीजन, एक डिवीजन, डिवीजन। तो मैन स्केल का एक डिवीजन कितना हो गया? एक। एक अंतर और माइनस वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना हो? 50 49 बटे 50। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ गया? 49 बटे 50। 50 आ गया। जब एक माइनस 49 बटे 50 को आप सोल्व कीजिएगा, सोल्व कीजिए 50 ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे तो होगा 50 माइनस 49 ऐसे ही तो होगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 50। तो जरा यहाँ पर देख लो कितना आ जाएगा, 50 में से घटा दो तो अब यहाँ पर 1/50 हो गया। 1/50 को पॉइंट में लाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0.02 आएगा कि नहीं आएगा? और वो भी किस में आएगा? एमएम में। तो ये जो मान हमारा निकल करके आया यही तो बेटा डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमारी कितनी निकल करके आ गई? 0.02 एमएम निकल करके, 0.02। अब ये देखना है कि ये 0.02 यहाँ पर हमें कहाँ मिलेगा। यहाँ पर मैंने इस पार्ट को यहाँ पर जूम करके दिखा रखा है। हमने आपको बताया था कि वर्नियर स्केल पर कितने खाने किए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बड़े बड़े कितने खाने किए जाते हैं? 10 खाने। ये हमने 10 खाने किए और 10 में से प्रत्येक खाने को 5 बराबर भागों में बांटना, 5×5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 25 × 35 × 36 × 38 × 45 × 50 × 55 × 55 × 50 × 50 हो गए 50। स्केल के 49 भाग बराबर हमने कितने कितने के रखे थे? 50 भाग किए थे। तो ये 50 भाग वर्नियर स्केल के कितने भाग है? 50। ये समझ में आ गया 50 भाग? यस सर। क्योंकि वहां पर हमने जो बात कही यहाँ से भी समझ में आनी चाहिए ना प्रैक्टिकली। तो यहाँ से कितने भाग हमने देखा कि बड़े बड़े खाने किए 10 और फिर प्रत्येक खाने के 5 भाग किए, तो 5, 10, 15 से लेकर ये यहाँ तक जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 50 आ गया। ये बात क्लियर होगी। अब देखिएगा एक प्रत्येक खाने के कितने भाग किए? 5। तो 0 से लेकर के 50 तक जितने भी खाने, कितने खाने? 50। कितने खाने? 50 बराबर खाने। कितने खाने? 50 बराबर खाने। उन 50 भागों में से प्रत्येक भाग का मान कितना होता है? 0.02 आता है। 0 से 5, 10, 15, 50 जो लेकर ये गिनती है, मान नहीं है।
ये तो मैंने पहचान के लिए आपके लिए लिखा हुआ। पहचान कैसे होगी, मान कैसे निकलेगा। मान लीजिए कि हमसे कहे कि वर्नियर स्केल के एक छोटे खाने का मान बताइए। क्या? एक छोटे खाने का मान। तो छोटा खाना कौन सा है इनमें से? एक खाने को है, है? Yes, जैसे यहां जूम करके मैं दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये एक खाना है, एक खाना है ना। एक खाने के कितने भाग किए मैंने? पांच। दो तीन, एक दो तीन चार, एक ये कितने खाने किए थे? पांच। तो जब पांच खाने किए थे तो देखो इन पांच खानों में प्रत्येक का मान 0.02 है। इसका भी मान कितना होगा? 0.02 है। इसका भी मान कितना होगा? 0.02 है। इसका मान कितना होगा? 0.02। यानी कि यहां से लेकर यहां तक किसी भी एक खाने को खाए उसका मान 0.02 होगा। और यही वर्नियर कैलिपर की खासियत है। मान लीजिए यहाँ पर उसने पूछ लिया वर्नियर स्केल के एक खाने का मान बराबर क्या, तो आपका आंसर क्या होगा? 0.02। आपका आंसर क्या होगा? 0.02। कितना होगा? 0.02। तो 0.02 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, देखो इधर कि अगर कोई हमसे क्वेश्चन करे वर्नियर स्केल के 20 खानों का मान बताइए, अब इसे कैसे सॉल्व करें? वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान कितना हो रहा है? 0.02 है। 0.02 है और पूछ कितने का है? 20 का। इसलिए वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन का मान कितना होगा? तो 0.02 इंटू कितना कर देंगे? 20। 20 ही कर देंगे ना, तो यहाँ पर 20 करेंगे इसका मान हमको निकाल कर चलिए कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा ना। तो अब देखिए हमें पता चल गया, इसीलिए वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा? 0.4 mm या 40 mm आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है वर्नियर स्केल के 30 डिवीजन बराबर क्या, हम कैसे करेंगे? चूंकि हमें पता है, पहले हम ये बात लिखेंगे ना, चूंकि हमें पता है वर्नियर स्केल का एक डिवीजन बराबर कितना है? 0.02 mm। इसीलिए वर्नियर स्केल के 30 डिवीजन कितने हो जाएंगे? 0.062 इंटू कितना हो जाएगा? 0.60 mm हो जाएगा। या एक क्वेश्चन और देता हूं, मैंने क्वेश्चन कहां से दिए थे? एक खाने से दिए थे, फिर हम 20 पर पहुंचे, फिर हम 30 पर पहुंचे। वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन बराबर बताओ क्या है, ठीक? तो कैसे बताएंगे? चूंकि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन बराबर कितना होता है? 0.02 mm। इसीलिए वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन बराबर कितने हो जाएंगे? 0.02 × 50 कितना आ गया? 1 mm। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.00 mm या इस तरह भी लिख सकते हैं 1। वर्नियर स्केल की जो 50 डिवीजन है वो 1 mm है, 1 mm के बराबर है। तो मतलब ये हो गया साफ साफ कि ये जो पूरा स्केल है, ये जो वर्नियर स्केल है, ये पूरा 0 से लेकर के 50 खाने को कैलकुलेट कर रहे हैं 50 से, तो कितना निकल करके आ रहा है? 1 mm। अब हमें साफ साफ समझ में आ गया, एकदम क्लियर समझ में आ गया
कि ये जो वर्नियर स्केल बना हुआ है पूरा का पूरा कंप्लीट, ये इसके मैन स्केल के एक खाने के बराबर है। वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन बराबर कितना है? एक एमएम। मैन स्केल का एक खाना, एक एमएम। अरे वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन ही तो थे, और एक डिवीजन का मान 0.02 तो था, तो कैलकुलेट करके वन एमएम आया। तो यानी कि वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन बराबर मैन स्केल का एक डिवीजन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि ये बताइए वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन मैन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर होगा, बोले कि एक डिवीजन, एक डिवीजन कितने डिवीजन के बराबर? एक डिवीजन के बराबर। और हमें पता है भैया एक डिवीजन का मान, एक डिवीजन का मान एक एमएम होता था। क्लियर? आज के लिए इतना ही टॉपिक था। आई होप कि आपको ये कंप्लीट जानकारी वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर और लीस्ट काउंट की जानकारी आपको टोटल समझ में आएगी। फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे।